नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, कल रात को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और आई होप आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख भी लिया होगा। और जिन जिन बच्चों ने रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है उन सभी छात्र छात्राओं को बेहद शुभकामनाएँ। और अपनी जो फिज़िकल होने वाला है आपका, जनवरी के महीने में आई थिंक ले लिया जाएगा फिज़िकल, तो अपनी तैयारी लगातार अच्छे तरीके से करते रहें। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, कुछ कह रहे हैं कि कट ऑफ हाई चला गया है, तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में। और स्पेशली उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आए हैं कि कुछ बच्चे मायूस भी हैं जिनका नहीं हो पाया है, तो वो पूछ रहे हैं कि सर अब हम आगे क्या करें या हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो स्पेशली उन वीडियो के लिए, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इस वीडियो में लगातार आप अंत तक बने रहें तो मैं आपको सारी प्रोसेस बता पाऊंगा कि कट ऑफ हाई गई है या नहीं गई है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो आगे क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि SSC के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई थी। तकरीबन 7500 प्लस पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था, और सितंबर में इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे, और नवंबर और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था SSC के द्वारा। हमने इसके लिए GK GS की लगभग 50 से 51 वीडियोस की क्विज लगाई थी, और आप में से बहुत से बच्चों ने वो क्विज देखी भी होगी। अगर आपको उन वीडियो से एक या दो नंबर का भी फायदा हुआ है, या कुछ भी किसी भी तरीके से आपका हमारी तरफ से, स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से थोड़ा सा भी फायदा हुआ है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कट ऑफ हाई चली गई, तो मुझे नहीं लगता कट ऑफ हाई चली गई है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था शॉर्ट वीडियो में, जैसे मैंने कट ऑफ पे बताया था, तो मैं अब भी कह रहा हूँ कि कट ऑफ इतनी हाई नहीं गई है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें हम, तो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गई थी, इसकी जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ, 62 नंबर जर्नल की कट ऑफ गई थी, और जो फीमेल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 52 या 53 नंबर गई थी। और इस बार जो कट ऑफ गई है अभी PHT के लिए, PHT की मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चे PHT के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, तो उसमें जर्नल की कट ऑफ गई है 65 मार्क्स पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है फॉर DV, मतलब PHT के लिए बुलाया गया है, तो मात्र 3 नंबर इंक्रीज हुए हैं। तो ये कोई ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं है, जैसे हवा बनाया जा रहा है यूट्यूब पर कि हाई कट ऑफ चली गई है, हाई कट ऑफ चली गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर नेक्स्ट ईयर की हम बात करें तो 2 या 3 नंबर मार्क्स बढ़ती ही है कट ऑफ की बात करें। और फीमेल की बात करें तो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, 55 मार्क्स पर एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है, ये रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल के लिए। तो इतना ज़्यादा शोक और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कट ऑफ हाई चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 3 मार्क्स ही इंक्रीज हुआ है, बाकी एक फाइनल कट ऑफ अब जो PHT होगा आपका, PET PHT कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट लगाई जाएगी, उसमें देखने वाली बात होगी कि कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं बच्चों के। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है और वो मायूस हैं, काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज भी आए हैं, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको आज नया साल है, तो प्लीज़ आप ऐसे डीमोटिवेट मत होइए, या हताश या निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज अपने आप के अंदर एक नई ऊर्जा ले के आइए कि आपको यस करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका सपना है और आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप डेडिकेटेड हैं और हार्ड वर्क कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन निकले हुए हैं, आपने फॉर्म भी फिल किए होंगे, और 2024 इलेक्शन ईयर है तो काफ़ी सारी वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आने भी वाले हैं। तो हताश और निराश बैठने की ज़रूरत नहीं है, आज फिर से अपने अंदर एक जज्बा और जुनून लेके आइए और अपनी तैयारी में फिर से लग जाइएगा। एग्ज़ाम होते रहेंगे, आगे भी आती रहेंगी वैकेंसियाँ, इसीलिए हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमने फिजिकल की तैयारी की थी वो सब वेस्ट हो गया है क्योंकि हमारा रिटर्न में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं, स्टडी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको नौकरी नहीं लगी, आपने PHD की तैयारी की, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। आपके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस आपको ज़रूर काम आएगा, इसीलिए कुछ बेकार नहीं गया आपका। रही बात फिजिकल की, तो मैं आपको बता दूँ UP पुलिस के अंदर कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है जो +2 बेस पर है, अभी फॉर्म चले हुए हैं, आप उस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, आपने फिल भी किया होंगे। 60,244 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है, काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। 60,000 कोई मामूली पद नहीं होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में ये पद निकाले गए हैं, और 2024 इलेक्शन ईयर है, अपनी तैयारी लगातार करते रहें। UP पुलिस का फॉर्म आप जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा और इसकी तैयारी में लग जाइएगा।
वैसे 11 फरवरी और 18 फरवरी इसकी एग्ज़ाम डेट बताई गई है, बट 11 फरवरी को मुझे नहीं लगता कि इसका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि 11 फरवरी को ऑलरेडी दो बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक तो UPPCS RO और ARO का एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी को, और एक HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी होने वाला है 11 फरवरी को। तो 11 फरवरी को मुझे नहीं लगता ये एग्ज़ाम हो पाएगा, बट आप अपनी तैयारी रखें, 1 से 1.5 महीना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, इससे लेट नहीं हुआ। आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें, और एक एग्ज़ाम क्लियर ना करने से आप अयोग्य नहीं हो जा सकते, ऐसा मेरा मानना है। आप लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि एक एग्ज़ाम अगर पास नहीं हुआ है तो इससे ये नहीं है कि आप अयोग्य हो गए, अयोग्य हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल जो उस एग्ज़ाम का लेवल था, आप उस तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। आज अकेले में बैठ के अपनी कमियों को एनालाइज कीजिए कि किस सब्जेक्ट में आपकी कमी रह गई और किस पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो ये मेरा एक सजेशन है, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप GK GS से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम में GK GS पूछी जाती है, उसके लिए बिल्कुल फ्री में तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो SSC जो अभी कल दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, मतलब रिजल्ट आया है कॉन्स्टेबल का, उसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जो जर्नल की बात कर लें तो जर्नल में 65 मार्क्स पर बच्चे का रिटर्न एग्ज़ाम पास हुआ है, 65 जर्नल में गई है। ये PST की बात कर रहा हूँ, जो बच्चे PST के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, जर्नल की 65 गई है, OBC की 66 गई है, 1 मार्क्स इंक्रीज होगी गई है, ST की 58 मार्क्स पर रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है एक बच्चे का, और SC पर 57, और EWS में 60 मार्क्स पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है रिटर्न के लिए। अब बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन ये अदर की बात कर रहा हूँ, कमांडो की बात नहीं कर रहा। EWS में 25 में सिलेक्शन हुआ है, EWS में SC में 25 गई है, ST में भी 45 गई है, और OBC में 25 गई है। ये एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा था मैं। और अब बात कर लेते हैं फीमेल की, तो फीमेल की लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर 52 या 53 गई थी, और मैंने इसी के आसपास बताई थी, तो अब भी ज़्यादा नहीं गई है, 55 या 56 में एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है फॉर DVP PET PST के लिए। देख लेते हैं, EWS में 48 गई है, SC में 46 गई है, ST में 44 गई है, OBC में 55 गई है, और UR में 55, मतलब जर्नल में 55 पर सिलेक्शन हुआ है। तो 2 से 3 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं मेल और फीमेल में, तो इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकाला गया है। और जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, वो डेफिनेटली अपनी फिजिकल में तैयारी करते रहें। लगभग तकरीबन मेल फीमेल और एक्स सर्विसमैन सभी कैटेगरी को मिलाकर बता देता हूँ, 53,436 बच्चों को पास किया गया है जर्नल के अंदर, ये मेल की बात कर रहा हूँ मैं, और एक्स सर्विसमैन के अंदर 1,809, और दो कैटेगरी थी एक्स सर्विसमैन में, अदर कैटेगरी में 1,809 बच्चों को पास किया गया है, और जो कमांडो की कैटेगरी थी उसमें 912 बच्चों को पास किया गया है, और जो फीमेल है, फीमेल के अंदर टोटल 29,000 लड़कियों को पास किया गया है फॉर PET PST के लिए, और टोटल की बात करें तो 86,000 प्लस बच्चों को PET PST के लिए बुलाया गया है। तो ये सभी बच्चे अपनी तैयारी करते रहे, लगभग 10 से 12 हज़ार बच्चे जाते भी नहीं है PET PST के लिए, और कुछ मामूली हाइट या फिर रनिंग दौड़ में भी बाहर हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी तैयारी लगातार करते रहे। जिन बच्चों का रिटर्न सिलेक्शन हो गया है और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बिल्कुल हताश और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आज से फिर से अपने नई तैयारी में लग जाइए। SSC GD का जो फॉर्म आपने भरा भी होगा उसकी तैयारी में लग जाइए, GK GS उसमें भी 25 मार्क्स ही पूछी जाती है। अगर आपने यूपी पुलिस का फॉर्म अभी नहीं भरा है तो प्लीज़ उसको भर लीजिएगा, 60,000 प्लस पद इसके अंदर निकाले गए हैं, 60,244 पद निकाले गए हैं, काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नोटिफिकेशन वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसमें आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। और फिजिकल की बात करें, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा, हमने फिजिकल की तैयारी की थी तो हमारा वेस्ट हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आपने फिजिकल की तैयारी की थी वो SSC GD में भी काम आने वाली है, और वो यूपी पुलिस में भी आपके काम आने वाली है। और अभी जो जनवरी के महीने में आपको डेफिनेटली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, SI, सब इंस्पेक्टर का, दोनों का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और हरियाणा पुलिस के अंदर कांस्टेबल में पहले फिजिकल करवाया जाएगा, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे फिजिकल काम आने वाला है। तो वेस्ट आपका कुछ भी नहीं गया है, आप लगातार तैयारी करते रहें, चाहे फिजिकल की है या रिटर्न एग्ज़ाम की है, दोनों तैयारी आप लगातार करते रहें। हताश और निराश होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप
ऐसा मत मानिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लगातार आप तैयारी करती रहिए। और आपको कोई भी पूछना है, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप तुरंत पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, आप डेफिनेटली एट ए टाइम पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिस्कस करनी थी मुझे आपसे बात, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हम आगे क्या करें। तो मेरा यही सजेशन है, लगातार आप तैयारी करते रहें और हार्डवर्क करते रहें, डेफिनेटली 2024 में आपका गवर्नमेंट जॉब लगने का सपना साकार हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार विजिट कर रहे हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।